Okay, so it's time to start. In the last lecture, we have went through what is intrinsic semiconductor, what is extrinsic semiconductor, extrinsic में p-type, n-type semiconductor. Then हमने band diagrams draw किए थे. तो I have to repeat only band diagrams very quickly because ये आगे जो complicated device आने वाले हैं, लड़ने वाले हैं हमको. As I told you earlier, this is purely theoretical topic, so you need to just focus on the theory. So, intrinsic semiconductor tha, a semiconductor which is pure semiconductor मतलब उसमें अगर आप silicon लोगे तो only silicon, अगर आप germanium लोगे तो only germanium. There is no impurity at all, कोई trial and impurity नहीं, कोई trial and impurity नहीं, nothing and nothing and nothing. उसका band diagram अगर आपको याद होगा, तो at 0 degree Celsius, conduction band is completely empty, valence band is completely filled. तो conduction band जो है वो completely empty था, valence band जो है वो completely filled था. और ये जो डिफरेंस इन एनर्जी है बिटवीन टॉप ऑफ वैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड, इसको आप बोलते हो बैंड गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप और बैंड गैप एजी. यहाँ पे कोई एनर्जी लेवल हो नहीं सकता, बट थियोरेटिकली इफ यू रिमेम्बर, इलेक्ट्रॉन का होने का प्रोबेबिलिटी और नहीं होने का प्रोबेबिलिटी हाफ होता है समवेयर हियर. So this energy level is actually theoretical level और इसको हम बोलते हैं फर्मी लेवल. सो दिस इज फर्मी लेवल. तो फर्मी लेवल वॉज हाइपोथेटिकल या फिर थियोरेटिकल लेवल इन विच इलेक्ट्रॉन होने का और नहीं होने का चांस हाफ हाफ है, राइट. तो ये था आपका बैंड डायग्राम ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट जीरो डिग्री सेल्सियस. तो यू नीड टू रिमेंबर दिस, जीरो डिग्री सेल्सियस पे व्हाट हैपेंस एट हायर टेम्परेचर इज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर याद होना चाहिए. क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या था कि ये सिलिकॉन का सबस्ट्रेट है. सिलिकॉन सबस्ट्रेट मतलब वेफर जैसा थिन सिलिकॉन का एक प्लेट है. और अगर आपको याद होगा, सिलिकॉन मतलब सेमी कंडक्टर है जिसमें लास्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन्स थे. और सिलिकॉन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिलिकॉन को चाहिए था टोटल 8. तो अगर आपको याद होगा तो ईच सिलिकॉन एटम ऐसा हमने बेस देखा था. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हर एक के पास वैलेंस में 4 है. तो क्या होता है दैट सिलिकॉन शेयर्स इलेक्ट्रॉन्स विद इट्स नियरेस्ट नेबर एंड फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड. आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ कंप्लीट डायग्राम. तो एट 0 डिग्री सेल्सियस ऑल द इलेक्ट्रॉन्स दे आर इन देयर वैलेंस ऑर्बिट एंड दे आर ऑल्सो शेयर्ड विद नेबरिंग एटम्स. कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन है वहां पे. तो देर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट इज वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू, कि वहां पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, लेट मी जस्ट रिमूव दिस फॉर टाइमिंग, एज यू इंक्रीज टेम्परेचर व्हाट हैपेंस इज, पहले तो बॉन्ड टूटने लगेंगे. वंस बॉन्ड आर ब्रोकन देन इलेक्ट्रॉन्स दे स्टार्ट बिकमिंग फ्री. तो जो इलेक्ट्रॉन्स है दे स्टार्ट बिकमिंग फ्री एंड दे आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन देन. ओके, तो इसका मतलब एट हायर टेम्परेचर यहां से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो रहा है एंड इट इज गोइंग इनटू कंडक्शन बैंड, राइट. जितने इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गए, सो देयर इक्वल नंबर. इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एंड नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड आर इक्वल. मतलब इन दिस केस आपके पास टोटल करंट था, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस करंट ड्यू टू होल. तो यहाँ पे कोई माइनॉरिटी नहीं है, कोई मेजोरिटी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल्स का दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है. ओके,
तो ये बेसिक्स पता होना चाहिए। मैं फॉर्मूले वाले इंटेंशनली यहाँ पे रख रहा हूँ बिकॉज आगे जाके आपको समझेगा व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। देन व्हाट वी डिड वाज, फिर हमने इम्प्योरिटी ऐड करना चालू किया। तो सिलिकॉन का बेस मटेरियल था, क्रिस्टल था, जैसे मैंने लास्ट डायग्राम में बताया है, लास्ट लेक्चर में भी बताया है। तो उस सिलिकॉन के बेस में हमने कुछ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाल दी। बाय द वे, व्हिच एवर टाइप ऑफ इम्प्योरिटी यू ऐड, दैट सेमीकंडक्टर विल बी कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर था जिसमें हमने इम्प्योरिटी ऐड की थी। वी हैव एडेड इम्प्योरिटी। अगर इम्प्योरिटी पेंटावेलेंट ऐड किया था तो वो बन गया था एन टाइप सेमीकंडक्टर। एंड एज आई टोल्ड यू, क्या कोई भी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी चलेगा? नहीं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए, इन सम केसेस लिक्विड भी चलता है। बट इम्पॉर्टेंट ये है दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आप बैंड्स यहाँ पे ड्रॉ करते हो, तो बैंड्स दैट यू शो ओवर हियर, ओके, सो वी शो सम बैंड्स हियर, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, व्हाटएवर इट इज। तो ये जो बैंड्स है, लेट अस से दिस इज वैलेंस बैंड, ये मैं यहाँ पे वैलेंस बैंड बता रहा हूँ विच इज completely filled for the time being, बाकी details हम बाद में देखने वाले हैं, so we'll see details later. So by the way, ये आपके पास valence band है, valence band of base material. Base material क्या है? तो base material हमारे पास है silicon. तो silicon का ये this is silicon valence band. That is very important thing. Now, here conduction band is empty because मैं zero Kelvin से start कर रहा हूँ। ये है base material। हमने impurity की बात नहीं की अभी तक। अब हम लोग impurity add करेंगे। तो impurity हम लोग पहले pentavalent impurity add करेंगे। This is just a recap from last session। हमने ये सब last session में cover किया है। But to go ahead, you need all this theory again। तो इम्प्योरिटी एन टाइप के केस में पेंटावेलेंट होता है जिसमें पांच वैलेंसी होती है, और इम्प्योरिटी ऐसा होना चाहिए जिसका वैलेंस लेवल बैंड है बेस मटेरियल का और वैलेंस लेवल है इम्प्योरिटी का, डोपंट का, तो वो होता है जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड, राइट। सो व्हाई ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए सब सिलिकॉन में एक पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी के पास पांच इलेक्ट्रॉन्स हैं, पांच में से चार का शेयरिंग हो गया नेबर्स के साथ, नियरेस्ट नेबर्स के साथ, और जो पांचवा है वो अनपेयर्ड रह गया। वो भले ही अनपेयर्ड है बट वो वैलेंस शेल में तो है ही, इट इज इन द वैलेंस ऑर्बिट ऑफ पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। तो यहां पे आई विल शो वन डॉट विच मीन्स दिस इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू इम्प्योरिटी, इट इज अनपेयर्ड, इट इज अनपेयर्ड, इट बिलोंग्स टू इम्प्योरिटी एंड इट इज इन द लेवल ऑफ इम्प्योरिटी। और क्योंकि यहां पे ये इलेक्ट्रॉन बाद में आप देखोगे और लास्ट सेशन में देखा है, ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाके कंडक्शन करेगा, मतलब इम्प्योरिटी ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डोनर लेवल, क्योंकि यहाँ पे जो डोपेंट है मतलब इंप्योरिटी है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है फॉर कंडक्शन, इसलिए इसको बोलते हैं डोनर लेवल। ओके, देन यू शुड नो वन थिंग, ऐसा एक इंप्योरिटी दिखाया मैंने बट नॉट नेसेसरी कि एक ही इंप्योरिटी होगा, तो देर आर मोर इंप्योरिटीज, तो यहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर। दिस इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट हायर टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो फ्री ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा सबसे पहले, मतलब सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे जिसका कोवेलेंट बॉन्ड में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। दे आर फ्री मतलब दे आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन, मतलब उनका प्रमोशन हो गया यहां से कंडक्शन बैंड में, यहां से कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन बैंड,
तो जब सारे इम्प्योरिटीज के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चले गए, अब डोनर लेवल खाली हो गया। अब अगर आप एनर्जी दोगे तो नाउ व्हाट विल हैपन इज अब बॉन्ड टूटना शुरू होंगे, सो देयर विल बी ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो पहले बॉन्ड बना रहे थे दे विल स्टार्ट बिकमिंग फ्री। मतलब अब ऐसा है कि अब यहां से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जा रहा है कंडक्शन बैंड में, तो एट एनी टेम्परेचर यू विल ऑलवेज सी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड इट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड। मतलब मेजोरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो करंट कहां से मिलेगा? इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलेंगे? एन टाइप। गुड, राइट। वन मोर थिंग दैट यू नीड टू नो एंड नीड टू अंडरस्टैंड इज आई एम अवेयर कि मैंने ये सारा पहले करवाया है, आई एम अवेयर ऑफ दिस, ओके। तो आई एम जस्ट रिपीटिंग फॉर द सेक ऑफ आगे समझेगा जब पी एन जंक्शन डायट की बात होगी। तो डोनर लेवल और कंडक्शन बैंड इसके बीच में फर्मी लेवल एग्जिस्ट करता है यहां पे। सो फॉर एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फर्मी लेवल इज जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड एंड जस्ट अबव डोनर लेवल। दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। सिमिलरली पी टाइप के केस में, तो आई विल गेट रिड ऑफ दिस नाउ। और पी टाइप के केस में, पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में व्हाट हैपेंस इज तो पी टाइप की जब बात करोगे तो पी टाइप के केस में ऐसा होता है, ये इंप्योरिटी लेवल होता है यहाँ पे जस्ट अबव वैलेंस बैंड, और वो इंप्योरिटी एक्सेप्टर इंप्योरिटी होता है, क्योंकि जैसे ही मैं टेंथ में पढ़ाऊंगा तो जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस बैंड से फ्री होगा वो पहले इंप्योरिटी लेवल में जाएगा, इसलिए उसको बोलते हैं एक्सेप्टर इंप्योरिटी। और ये जो फर्मी लेवल होता है, दिस फर्मी लेवल इज हियर फॉर पी टाइप, ओके, ये बताना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स एट एनी टेम्परेचर देयर आर वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एंड देयर आर मेनी होल्स हियर, देयर आर मेनी मेनी होल्स हियर। तो ये जो सिचुएशन है ये यहाँ पे उल्टा होता है, राइट। तो पी टाइप में मेजॉरिटी करंट आपको मिलता है पॉजिटिव चार्जेस से, होल से, इसलिए उसको बोलते हो पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो दिस इज कॉल्ड एज पी टाइप सेमीकंडक्टर, राइट। ये यहां तक कल हमारा हुआ था। नाउ ऑन इंटेंशन मैंने ये एक ही पेज पे सब ड्रॉ किया है। व्हाई? बिकॉज नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज हमें अब बनाना है पीएन जंक्शन डायोड। व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड? यू विल अंडरस्टैंड इन अ व्हाइल, गिव मी अ मिनट, थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। लेट मी गेट रिड ऑफ दिस स्टफ एंड लेट मी मूव दिस बैंड स्ट्रक्चर ऑल्सो, ओके। थोड़ी जगह कम पड़ने वाली है अपने को, बट ठीक है, जो भी होगा विल सी लेटर एनीवेज। तो लेट मी जस्ट मूव इट ओवर हियर, बाद में देखेंगे इसको, राइट। नाउ व्हाट इज अ पीएन जंक्शन डायोड? पहले तो आपको वर्ड्स डायोड, दो इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए मतलब दो टर्मिनल अवेलेबल है। तो सबसे पहले व्हाट यू डू इज फॉर अ पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, एक तो जंक्शन का मतलब बताना चाहिए, जंक्शन इज अ पॉइंट वेयर मेनी रूट्स मीट या फिर दो सर्फेसेस मीट। अब व्हाट वी डू इज हम एक बेस मटेरियल लेते हैं, वी टेक अ बेस मटेरियल ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो भी होगा। ये एक हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर का चिप है, वेफर है। इसके हाफ पार्ट में हम लोग ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डाल देंगे और इसके हाफ पार्ट में हम लोग पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डाल देंगे। मतलब हाफ पार्ट जो है
उसमें मेजोरिटी होगा होल्स पॉजिटिव चार्जेस, और हाफ पार्ट में मेजोरिटी होगा इलेक्ट्रॉन्स, और द सरफेस विच सेपरेट दीज टू विच सेपरेट पी एंड एन इज कॉल्ड एज पी एन जंक्शन. तो ये जो है ये लाइन यहाँ पे, एक्चुअली दिस इज नॉट लाइन, दिस इज एरिया, क्योंकि आप एक रॉड जैसा कुछ बना रहे हो, लेकिन बिकॉज आई एम ड्रॉइंग दिस डायग्राम ऑन अ टू डायमेंशनल सर्फेस तो आपको लाइन दिख रहा है. तो दिस इज जंक्शन, तो दिस इज जंक्शन पी एन जंक्शन, बिकॉज दिस जंक्शन सेपरेट पी फ्रॉम एन, राइट. अब इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए एक इलेक्ट्रोड में यहां से निकालूंगा, एक इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोड में यहां से निकालूंगा, इसलिए इसको बोलते हैं डायोड. देयर आर टू टर्मिनल्स फ्रॉम विच यू कैन टेक आउट कनेक्शंस, राइट. गुड. नाउ जब ये जंक्शन जस्ट बना था, ओके, व्हेन इट वाज जस्ट मेड, उस केस में व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ एनर्जी लेवल्स. और याद रखना, ये जब मैं बोल रहा हूं पी टाइप में पॉजिटिव चार्जेस, तो पॉजिटिव चार्जेस वैलेंस बैंड में, और एन टाइप में नेगेटिव चार्जेस तो वो कंडक्शन बैंड में है. ये आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, ये नहीं पता होगा तो आगे कुछ नहीं समझेगा. एनीवेज, तो अब जब हमने जस्ट जस्ट ये सब बनाया तो सिचुएशन क्या था, तो सिचुएशन ऐसा था, रिमेंबर ये सब का सब कहां से आया है, बेस मटेरियल से. हमने सिलिकॉन का बेस बना लिया है, उसमें हाफ में ट्रायलेंट इंप्योरिटी डाल दिया, हाफ में पेंटालेंट डाल दिया. तो इनिशियली सिचुएशन ऐसा था, सिचुएशन ऐसा था, मतलब कंडक्शन बैंड ऑफ बोथ पी टाइप एंड एन टाइप, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है. कंडक्शन बैंड ऑफ बोथ पी टाइप एंड एन टाइप, दे आर एट द सेम लेवल. नाउ क्या होगा, यहां पे एन टाइप में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स है, पी टाइप में सारे के सारे होल्स है, तो म्यूचुअल रिपल्शन होगा बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. तो बिकॉज ऑफ म्यूचुअल रिपल्शन फ्यू इलेक्ट्रॉन्स दे क्रॉस द जंक्शन एंड एंटर पी टाइप. मतलब बैंड डायग्राम के टर्म में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स दे आर कमिंग हियर समथिंग लाइक दिस, ओके, एंड नीचे होल है, होल मतलब शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन. जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पे आया, इसने इसको उठा लिया और होल हो गया फिल्ड, ये होल कंप्लीटली फिल्ड हो गया यहां पे. मतलब एन टाइप ने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिया था, बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन गया मतलब वहां पे पॉजिटिव आयन बनता है. यहां पे एक कंफ्यूजन हमेशा रहता है, व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट आयन्स हियर. देखो एन टाइप हो या पी टाइप सेमीकंडक्टर हो, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स फ्री थे, लेकिन ओवरऑल जब एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात होती है तो ओवरऑल एन टाइप सेमीकंडक्टर किसी एटम से बना था, और हर एक एटम पहले न्यूट्रल था क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स वर सेम, फिर इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए कंडक्शन के लिए, लेकिन मटेरियल तो फिर भी न्यूट्रल है क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हम एन टाइप में कभी आयन्स की बात नहीं कर रहे थे. अब क्या हुआ, एन टाइप में से कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए, मतलब अब कुछ ऐसे एटम्स है जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है नेगेटिव कम है, मतलब आयन का फॉर्मेशन हुआ. कहां पे हुआ, नियर द जंक्शन. तो यू हैव अ रीजन नियर द जंक्शन इन एन टाइप. एन टाइप में नियर द जंक्शन ऐसा एक रीजन है जहां पे शॉर्टेज ऑफ मूविंग नेगेटिव चार्जेस, लैक ऑफ मूविंग नेगेटिव चार्जेस, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस तो यहां आ गए थे, तो वहां पे बन जाएगा पॉजिटिव आयन. गुड, राइट. और ये इलेक्ट्रॉन जब जंक्शन क्रॉस करके गए तो पी टाइप ने एक्सेप्ट कर लिया, नेगेटिव चार्जेस एक्सेप्ट किए, तो वो बन जाएगा नेगेटिव आयन, क्योंकि एक आइटम न्यूट्रल होता है, एक सब्सटेंस न्यूट्रल होता है,
उस सब्सटेंस ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट किया, तो पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन, दूसरे मटेरियल ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है, तो नेगेटिव चार्ज डोमिनेट करेंगे तो नेगेटिव आयन्स। तो पी टाइप में भी एक ऐसा रीजन आएगा जहां पे मूविंग चार्जेस नहीं है बट नेगेटिव आयन्स है। तो सर्कल में मैं बता रहा हूं आयन्स। तो ये जो रीजन है, दिस रीजन वेयर देयर इज डिप्लीशन, व्हाट इज डिप्लीशन? लैक ऑफ, शॉर्टेज ऑफ। सो हियर इन दिस रीजन देयर इज शॉर्टेज ऑफ मूविंग चार्जेस, उसको आप बोलते हो डिप्लीशन लेयर या फिर डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन और इट इज कॉल्ड एज डिप्लीशन लेयर। क्वेश्चन ये था कि कब तक ये इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन क्रॉस करके पी टाइप में जाते रहेंगे। तो टू इमेजिन दिस देयर आर टू वेज ऑफ थिंकिंग। एक बैंड डायग्राम, ये डिफ्यूजन तब तक चलता रहेगा जब तक फर्मी लेवल्स मैच नहीं। एक बार फर्मी लेवल मैच हो गए तो अब एज यू कैन सी एन टाइप का कंडक्शन बैंड ये पी टाइप के कंडक्शन बैंड से नीचे है। तो नीचे है तो अब इलेक्ट्रॉन जंप तो कर नहीं सकता। या फिर आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि यहां पे डिप्लीशन रीजन में जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन्स सेपरेट हुए तो उन्होंने एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर दिया। अगर अगला इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश कर भी रहा होगा तो ये जो नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हुआ है वो इसको अपोज कर देगा। इसको आप बोलते हो बैरियर पोटेंशियल। तो यहाँ पे एक वीबी बैरियर पोटेंशियल जनरेट हुआ, या फिर इस बैरियर पोटेंशियल को, ये हाइट को भी बैरियर पोटेंशियल है। सो देयर इज बैरियर पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट जंप ऑन टू हायर एनर्जी बैंड अनलेस दे हैव सफिशिएंट एनर्जी। क्लियर? डिप्लीशन रीजन क्लियर? गुड। इट इज इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट यू विल अंडरस्टैंड इन अ व्हाइल, क्योंकि इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिड यू नोटिस समथिंग हियर? हमने अभी तक कोई बैटरी कनेक्ट नहीं की है। इसको बोलते हैं अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। अनबायस्ड मतलब नो बायसिंग, मतलब नो ईएमएफ इज कनेक्टेड। एज ऑफ नाउ हमने कोई बैटरी कनेक्ट नहीं किया है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये होता है अगर आपने एक पीएन जंक्शन डायोड बनाया है और बना के छोड़ दिया, सफिशियंट टाइम दिया, तो सफिशियंट टाइम के बाद ये सिचुएशन होने ही वाला है, मतलब डिप्लीशन रीजन बनने वाला है, बैरियर पोटेंशियल भी बनने वाला है, मतलब फर्मी लेवल मैच होने वाला है। जब तक फर्मी लेवल मैच नहीं होता तब तक इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन एन टाइप से पी टाइप में चालू रहने वाला है। दिस इज व्हाट इट मींस। गुड। नाउ नाउ लेट अस गो वन स्टेप अहेड। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, बिकॉज आई एम लिटिल लेजी to keep doing those diagrams again and again. So ये आ गए हम न्यू पेज पे। नाउ डिप्लीशन रीजन यू ऑलरेडी नो एंड वी विल नीड इट। इसको हम लोग ठीक है रख देते हैं, नो इश्यूज। नाउ आपको पता है डिप्लीशन रीजन है, सो आई एम जस्ट रिमूविंग दिस फ्रॉम हियर। अब अगर हम इस पी एन जंक्शन डायोड को बैटरी कनेक्ट करते हैं, इफ वी कनेक्ट ईएमएफ इस पीएन जंक्शन डायोड को, देन देयर आर टू वेज इन विच यू कैन कनेक्ट बैटरी और सेल। दो वेज, कौन से दो तरीके? एक तो पी टाइप, जिसमें मेजोरिटी पॉजिटिव चार्जेस के होल्स थे, उसको आप बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दो और एन टाइप को नेगेटिव कनेक्ट कर दो। इस पे क्वेश्चन क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इन अ पीएन जंक्शन डायोड इंक्रीजेस, मतलब व्हाट हैपेंस टू द विड्थ ऑफ पीएन जंक्शन डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन? ए इंक्रीजेस, बी डिक्रीजेस, इनिशियली इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, डी इनिशियली डिक्रीजेस then increases, or
of course none of this, or you can say it remains unchanged. तो चार ऑप्शन कोई तो होंगे आपके पास. तो थिंक अबाउट इट. डिप्लेशन रीजन क्या था? डिप्लेशन रीजन जंक्शन के पास में ऐसा एक रीजन था जहां पे मूविंग चार्जेस की शॉर्टेज है. क्यों शॉर्टेज है? क्योंकि मूविंग चार्जेस जंक्शन क्रॉस करके पी टाइप में चले गए. पी टाइप में रिकॉम्बिनेशन हो गया, तो पी टाइप में नेगेटिव आयन्स है, आयन्स आर हेवी. एन टाइप में पॉजिटिव आयन्स है, आयन्स आर हेवी. तो दे कैनॉट मूव. तो डिप्लीशन मतलब डिप्लीटेड इन मूविंग चार्जेस, ऐसा उसका मतलब था. गुड. इफ आई कनेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू पी टाइप एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू एन टाइप, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायस्ड. फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड. अब होगा क्या इस केस में? ये जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहा है. कहां पुश कर रहा है? टुवर्ड्स जंक्शन. क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन को कहां पुश करेगा? टुवर्ड्स जंक्शन. टुवर्ड्स जंक्शन पुश करना मतलब मूविंग चार्जेस को आप टुवर्ड्स जंक्शन भेज देना. मतलब डिप्लीशन रीजन का विड्थ जो होगा, इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, बिकॉज नाउ यू हैव मोर मूविंग चार्जेस नियर द जंक्शन. तो डिप्लीशन रीजन का विड्थ कम होता है. तो अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन व्हाट हैपेंस टू विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन? डिक्रीजेस. गुड. ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया है पहले भी, तो यू नीड टू नो दिस एग्जैक्टली, राइट? व्हाट दिस मींस इन टर्म्स ऑफ बैंड डायग्राम? इन टर्म्स ऑफ बैंड डायग्राम इट मींस दैट हम लोग इन रियलिटी एन टाइप के बैंड स्ट्रक्चर को ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं और पी टाइप के बैंड स्ट्रक्चर को नीचे शिफ्ट कर रहे हैं. सो दैट वापस से एन और पी टाइप पहले तो सेम लेवल पे आ जाए. मतलब बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम करना पड़ेगा पहले. जर्मेनियम के लिए ये बैरियर पोटेंशियल होता है 0.3 वोल्ट, सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट. तो जब तक, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, जब तक कंडक्शन बैंड ऑफ पी एन एन टाइप एक लेवल पे नहीं आता, यू डू नॉट एक्सपेक्ट एनी करंट. नहीं मिलने वाला करंट, राइट? क्योंकि अब मैं वो डायग्राम भी ड्रॉ करूंगा, ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम इसका, करंट वर्सेस वोल्टेज. तो बाय द वे, ये जो करंट वर्सेस वोल्टेज है, इसको आप बोलते हो कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके. तो कभी भी याद रखना, कैरेक्टरिस्टिक्स अगर ये वर्ड आए, इट इज अ ग्राफ ऑफ करंट अगेंस्ट वोल्टेज. ओके. तो लेट अस से आई एम प्लॉटिंग वोल्टेज अलोंग एक्स एक्सिस एंड करंट अलोंग वाई एक्सिस. जब तक बैरियर पोटेंशियल ओवरकम नहीं होता, तब तक इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप, दे कैनॉट गो कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप. तो वी एक्सपेक्ट, अगर सिलिकॉन मटेरियल है तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि बैरियर पोटेंशियल मतलब 0.7 वोल्ट तक हमको कोई भी करंट नहीं मिलना चाहिए. दिस इज एक्सपेक्टेशन. और बाय द वे, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग विच नॉर्मली बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, कहाँ करंट मेजर कर रहे हैं? अक्रॉस द जंक्शन. यू आर ऑलवेज मेजरिंग करंट हियर अक्रॉस द जंक्शन. फिर बोलोगे नहीं तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, अरे यहाँ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है, पता है, अक्रॉस द जंक्शन की बात चल रही है. ओके. गुड. देन व्हाट विल हैपन इन दिस केस? हमारा एक्सपेक्टेशन था कि 0.7 वोल्ट तक हमको कोई भी करंट नहीं मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि आप एक चीज भूल रहे हो, और वो ये है माइनॉरिटी चार्जेस. कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप में माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स थे. कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप भले ही नीचे था, लेकिन कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप तो ऊपर था. एन टाइप के कंडक्शन बैंड से पी टाइप के कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं जा पा रहा था बिकॉज ऑफ बैरियर पोटेंशियल. उल्टा तो हो ही रहा था. हाँ, तो देयर इज ऑलवेज सम रिवर्स करंट. सो रिवर्स करंट नहीं बोल सकते हो, सॉरी, माइनॉरिटी चार्जेस की वजह से करंट.
there is always some current due to minority charge carriers. Now, इसका मतलब 0.7 वोल्ट तक हमको स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मिलता है, नॉट जीरो बट स्मॉल. सिलिकॉन का है इसलिए 0.7, जर्मेनियम के लिए 0.3. एक बार कंडक्शन बैंड दोनों का सेम लेवल पे आ गया, मतलब बैरियर पोटेंशियल ओवरकम हो गया. अब अगर आपने ये पोटेंशियल वोल्टेज 0.7 से बढ़ा दिया, मतलब कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप अब ऊपर है कंपेयर टू कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप, तो ऑल ऑफ अ सडन यू गेट हाई करंट. ओके, सीधा हाई करंट क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि हमने फॉरवर्ड बायस किया. फॉरवर्ड बायस किया मतलब क्या? हमने बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम करने के लिए इलेक्ट्रॉन को सफिशियंट एनर्जी दिया है. नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्टेड टू एन टाइप, मतलब आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहे हो टू ओवरकम दिस बैरियर पोटेंशियल. तो 0.7 वोल्ट तक वो बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम करने की कोशिश ही कर रहा था. 0.7 ज्यादा वोल्टेज हो गया मतलब ओवरकम हो गया, और ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ क्रॉस कर जाएंगे, तो जंक्शन क्रॉस कर जाएंगे, मतलब जंक्शन के अक्रॉस आपको हेवी हाई करंट मिलने वाला है, राइट. इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट किया था. तो और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, हाई करंट कब मिलता है? जब फॉरवर्ड बायस होता. मतलब ये आगे आप सीखोगे, एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर नाम का एक कॉन्सेप्ट आएगा, उसको हम लोग करंट एम्पलीफिकेशन के लिए यूज करते हैं. और ये पता होना चाहिए कि अगर करंट को एम्पलीफाई करना है, मतलब करंट का स्ट्रेंथ इंक्रीज करना है, तो फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में ही आपको हाई करंट एक्सपेक्टेड है इसलिए, राइट. तो थ्योरी इन दिस चैप्टर, ये थ्योरी ही है. आई कांट हेल्प इट, यू कांट हेल्प इट, यू हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, देन एज आई टोल्ड यू, मैंने क्या बोला था आपको कि दो तरीके से आप बैटरी के टर्मिनल्स को कनेक्ट कर सकते हो, पॉजिटिव कनेक्टेड टू पी टाइप, नेगेटिव कनेक्टेड टू एन टाइप, इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड बायस. फॉरवर्ड बायस में आफ्टर यू हैव ओवरकम बैरियर पोटेंशियल देन यू गेट हाई करंट. देन हम रिवर्स बायस भी कर सकते थे. मतलब लेट मी फर्स्ट गेट इट ऑफ दिस थिंग, ये इसको उड़ा देते हैं यहां से. आई डोंट नीड ऑल दिस, इसकी भी जरूरत नहीं है हमको मोर ऑर लेस. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस अगर हमने पी टाइप को नेगेटिव और एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा? तो ये होगा, इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे, होल्स ये नेगेटिव की तरफ जाएंगे, मतलब मूविंग चार्जेस दे आर गोइंग फर्दर अवे फ्रॉम जंक्शन. मतलब यहां पे पहली चीज तो ये होगी, डिप्लीशन रीजन का विड्थ इंक्रीज होने वाला है. 6 क्वेश्चन अभी तक हमारे सॉल्व हो गए, राइट. दूसरा, यहां पे हम फॉरवर्ड बायस करके बैरियर पोटेंशियल को कम कर रहे थे, मतलब वी वर ट्राइंग टू टेक दिस बैंड स्ट्रक्चर ऑफ एन टाइप ऊपर और पी टाइप नीचे, मतलब कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप और पी टाइप मैच होने के बाद हेवी करंट मिलेगा. यहां पे हम उल्टा कर रहे हैं, यहां पे हम इस बैंड स्ट्रक्चर को, एन टाइप के बैंड स्ट्रक्चर को नीचे ले जा रहे हैं और पी टाइप के बैंड स्ट्रक्चर को ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं. मतलब हम लोग इनफैक्ट बैरियर पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं. तो अगर आप इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे, डेफिनेटली यहां पे एक्सिस थोड़ा इन्वर्टेड ड्रॉ करना पड़ता है. क्यों ड्रॉ करना पड़ता है? इट इज लॉजिकल, वेरी लॉजिकल. कनेक्शन उल्टे हैं तो जो भी करंट मिलेगा वो रिवर्स करंट होगा, मतलब नेगेटिव साइन के साथ आएगा. इसलिए यू आर इन थर्ड क्वाड्रेंट हियर. ये है आपका वोल्टेज, नहीं एक्स एक्सिस पे वोल्टेज. यस, मैं जानबूझ के ऐसी चीजें करता रहता हूं बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली. तो ये है आपका करंट,
ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेशन होगा कि जंक्शन के अक्रॉस करंट नहीं मिलने वाला, क्योंकि मूविंग चार्जेस तो सब जंक्शन से दूर जा रहे, तो करंट ना मिले, नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत करंट मिलेगा वो माइनॉरिटी कैचेस के लिए, थोड़ा बहुत, वेरी स्मॉल। तो आर एक्सपेक्टेशन इज दैट वी शुड नॉट गेट एनी करंट और वी शुड गेट वेरी लेस करंट, दैट इज ट्रू अप टू अ पॉइंट। देखो जैसे जैसे मैं रिवर्स वोल्टेज बढ़ाऊंगा, पहले 1 वोल्ट, फिर 2 वोल्ट, फिर 3 वोल्ट, फिर 4 वोल्ट, जैसे जैसे आप रिवर्स वोल्टेज बढ़ा रहे हो, इसका मतलब आप इन रियलिटी इलेक्ट्रॉन्स को यहां से ड्रेन करके बैटरी के टर्मिनल पे ला रहे हो। तो जाएगा कहां? वो बैटरी के टर्मिनल पे ही एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, राइट? बुक्स में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, वर्ड ऑफ कुशन ऐसा कुछ नहीं बोला है, मैं समझने के लिए इसको ऐसा समझता हूं, दैट इज माई ओन वे ऑफ रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हो। एक स्टेज ऐसा आएगा जहां पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से ज्यादा नेगेटिव चार्ज जमा हो गया है और बैटरी के नेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज जमा हो गया है, मतलब ऑल ऑफ अ सडन पोलैरिटी चेंज हो गई, मतलब ऑल ऑफ अ सडन हैवी करंट, लार्ज करंट। और ये इसको बोलते हो ब्रेकडाउन, इसका मतलब आपका जो पीएन जंक्शन डायोड है वो डैमेज हो गया, इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन। और जिस वोल्टेज पे ब्रेकडाउन होता है उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, राइट? और बाय द वे यहाँ पे जहां से आगे आपको हेवी करंट मिलता है इसको बोलते हैं नी पॉइंट या फिर नी वोल्टेज। तो फॉरवर्ड बायस में जिस वोल्टेज से करंट बढ़ता है उसको बोलते हैं नी वोल्टेज, ब्रेकडाउन, और ब्रेकडाउन बहुत दूर बहुत लेट मिलता है कंपेयर टू नी, ओके? तो यहाँ पे रिवर्स बायस में व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग सडन करंट, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी करंट, हमारा एक्सपेक्टेशन था ही नहीं कि करंट मिलेगा वहां पे, पर मिल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज ब्रेकडाउन, ओके? अब इफ नाउ यू कंबाइन बोथ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, हम ऐसा करेंगे, हम दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को कंबाइन कर देंगे वन बाय वन, ओके? सो पार्डन मी, आई कैन नॉट सी इफ इट इज अ स्ट्रेट लाइन ऑफ नॉट, डजंट मैटर, फिजिक्स इज व्हाट मैटर्स हियर, एनीवेज। तो नाउ ऑफ कोर्स यू शुड नो, मैंने बताया पहला क्वाड्रेंट फॉरवर्ड बायस, ये क्वाड्रेंट रिवर्स बायस, तो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ड्रॉ करोगे, टोटल ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। फॉरवर्ड बायस में आपको समथिंग लाइक दिस, रिवर्स बायस ब्रेकडाउन, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये नी वोल्टेज, तो दिस इज ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन। ये है अंडर रिवर्स बायस, रिवर्स बायस मतलब पी टाइप कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, एन टाइप कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल। ये है फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस मतलब पी टाइप कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड एन टाइप कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो ये आ गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, दिस इज ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, राइट? If you have understood this much, we can start discussing the first application of PN junction diode, which is rectifier. Abhi rectifier kya hota hai? Rectification kya hota hai? Let's see. Rectifier circuit, rectifiers. Dekho, the idea is AC to DC, yes. हमारे घर में जो सप्लाई आता है वो होता है अल्टरनेटिंग सप्लाई, इट हैज गॉट सम रीजन क्यों अल्टरनेटिंग, क्योंकि आपको पता है डायरेक्ट करंट अगर होगा, डायरेक्ट करंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स यूनिडायरेक्शनली फ्लो हो रहे हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आयन्स है, आयन्स मतलब बेसिकली ऑफकोर्स अभी अगर सप्लाई जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है वहां से आपके घर तक लाना है तो कंडक्टिंग वायर चाहिए ना, यू कैन नॉट पुट अ प्लास्टिक देयर, तो कॉपर होगा। और पहली बात तो देयर आर मेनी चैलेंजेस, कॉपर है तो कॉपर चोरी होता है बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव,
दूसरा कॉपर नहीं लिया, कोई और मटेरियल कंडक्टर यूज किया हमने, तो हमको पता है ये जो आयन्स है दिस सर्कल्स एट रूम टेम्परेचर दे आर वाइब्रेटिंग बिकॉज दे हैव एनर्जी. गर्मी में अभी और ज्यादा प्रॉब्लम, दे वाइब्रेट मोर रिगरसली बिकॉज रूम टेम्परेचर 27 डिग्री नहीं होता आउटसाइड. आउटसाइड इट इज इन समर्स इट मे गो अप टू 45 डिग्रीज. देन ये जो इलेक्ट्रॉन है इट इज ट्राइंग टू मूव, तो इट विल सफर कोलिजन, मतलब देयर विल बी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस. अगेन रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर. तो अगर एनर्जी जनरेशन यूनिट यहां से 1000 किलोमीटर दूर हुआ तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है तो लॉस है, क्योंकि आपने सीखा है आई स्क्वायर आर लॉस. व्हेनेवर देयर इज रेजिस्टेंस देयर इज कोलिजन, कोलिजन मतलब फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब जनरेशन ऑफ हीट. तो वहां से 10 एम्पियर करंट निकला था, हमारे घर पे आते थे 2 एम्पियर हो गए, लॉस ऑफ एनर्जी बेसिकली. जस्ट लूज लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि लॉस होता है बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस. तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है, इसलिए हमारे घर में जो सप्लाई आता है वो एसी होता है. एसी सप्लाई में क्या होता है कि इन रियलिटी इन एसी इलेक्ट्रॉन इज गोइंग नोवेयर, इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा. सो इट इज जस्ट वाइब्रेटिंग एंड ट्रांसफरिंग एनर्जी थ्रू दिस वाइब्रेशन. तो दैट इज व्हाई नॉर्मली हमारे घर में एसी सप्लाई आता है, बट देन 90% of the devices that you use, including your laptop chargers, mobile phone chargers, ये सब चलता है DC पे. Supply आ रहा है AC, हमको किसी भी device को चलाने के लिए लग रहा है DC, तो AC से DC में convert करना पड़ेगा, that is a rectifier. So rectification is the process of converting AC signal to DC signal. उसको rectification बोलते हैं हम लोग, okay? तो first of all you need to understand basic waveform of alternating voltage or current. और ये मैंने आपको electromagnetic induction और AC circuit में in detail बताया है. तो on from my end, my expectation with you is minimum आपको ये पता होना चाहिए that how does a AC signal look like. तो एसी सिग्नल लुक्स लाइक कैसा दिखता है तो वो पता होना चाहिए. तो इट लुक्स लाइक अ साइन वेव. ऑफ कोर्स यहाँ पे हम टाइम एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे वोल्टेज या करंट वॉट एवर यू रिक्वायर. तो इट लुक्स लाइक साइन वेव, पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल, सो ऑन सो फोर्थ. ये है इनपुट वोल्टेज, this is AC input. Of course, rectifier is conversion of AC to DC. तो ये input voltage है, this is AC input. अब इस AC input को हम convert करेंगे बाद में, we will convert it into DC of course. तो I will draw output later. सिर्फ मैं यहाँ पे एक line draw करके छोड़ रहा हूँ. We'll see how does output look like later. Not now, but later. अब पहले हम देख लेते हैं circuit diagram. First of all, every single thing matters here. जो जो हमने अभी तक सीखा है. तो normally क्या होता है? Normally सबसे पहले हम एक transformer use करेंगे. यहाँ पे देंगे इनपुट, मतलब जो घर में आपके प्लग होता है वहां लगा दिया आपने इसको. क्यों ट्रांसफार्मर क्यों? अगर आपने कभी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदा होगा उस पर अगर आपने स्पेसिफिकेशन पढ़ा होगा तो उसमें लिखा होता है इट वर्क्स ऑन 100 वोल्ट 150 वोल्ट 80 वोल्ट, सप्लाई में 230 आ रहा है. तो आपको स्टेप डाउन करवाना पड़ेगा या स्टेप अप भी करवाना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द डिवाइस. तो सबसे पहले यू विल यूज अ ट्रांसफॉर्मर हियर फॉर ईदर स्टेप अप और स्टेप डाउन ऑफ द वोल्टेज. हम नहीं यूज करते. अगर आपने चार्जर लाया है तो चार्जर के अंदर वो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट होता है. अगर आप मिक्सर ग्राइंडर यूज कर रहे हो तो उसमें भी बाय डिफॉल्ट अंदर लगा होता है.
क्या हम लगाते हैं कि अरबर नहीं मिक्सर ग्राइंडर है 120 है, ये अभी 120 वोल्ट का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाओ फिर मिक्सर लगाओ, ऐसा करते हैं कि हम नहीं करते, तो वो ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट थिंग। नाउ वी हैव टू गो लिटिल बैक टू पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड जब हमने इंट्रोड्यूस किया तो ये पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल भी है एक, दिस ट्राइंगल इज पी टाइप, दिस प्लेट इज एन, तो ये सिंबलिकली दिस इज अ पीएन जंक्शन डायोड, ये पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है, ट्राइंगल मतलब पी और प्लेट मतलब लाइन मतलब एन। अब हम यहां पे एक पीएन जंक्शन डायोड कनेक्ट करने वाले हैं, यहां से जाएगा लोड को, लोड मतलब मिक्सर ग्राइंडर यूज करना है उसका रेजिस्टेंस, मोबाइल चार्जर यूज करना है उसका रेजिस्टेंस, ये है लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे आर एल, और यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो होगा आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू करंट थ्रू डायोड, व्हाट इज वी आई इंटू आर, तो आई डी इंटू आर एल, और ये ऐसा कनेक्ट कर दोगे आप, मैं ए पॉइंट और बी पॉइंट ऐसा नाम दे देता हूं। गुड, नाउ अल्टरनेटिंग वोल्टेज है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये जो इनपुट वोल्टेज है आपके पास, दिस इनपुट वोल्टेज इज अल्टरनेटिंग वोल्टेज, दिस इज अल्टरनेटिंग वोल्टेज। क्या हो रहा है अल्टरनेटिंग वोल्टेज में, हाफ साइकिल पॉजिटिव, नेक्स्ट हाफ साइकिल नेगेटिव, फिर हाफ साइकिल पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव फिर नेगेटिव। जब हाफ साइकिल पॉजिटिव थी मतलब ये ए पॉइंट पॉजिटिव था और बी पॉइंट नेगेटिव था, ये पी है ये एन है, तो पी इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, एन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लोस थ्रू लोड, करंट फ्लो हो रहा है तो लोड रेजिस्टेंस पे वोल्टेज अपीयर होगा, क्योंकि करंट इज नॉट जीरो, रेजिस्टेंस तो जीरो है ही नहीं वैसे भी, राइट। तो व्हाट यू गेट इज, मैं आई जस्ट ड्रॉ फ्यू लाइंस हियर फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो व्हाट यू गेट एट, ये इनपुट था वी आई, यहाँ पे आउटपुट है वी ओ, व्हाट यू गेट एट आउटपुट इज सम वोल्टेज, राइट। जब इनपुट वोल्टेज नेगेटिव साइकिल में गया, नेगेटिव साइकिल में जाने का मतलब ये है कि बी पॉइंट हो गया पॉजिटिव और ए पॉइंट हो गया नेगेटिव, अब नेगेटिव इज कनेक्टेड टू पी एंड पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू एन, रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता, करंट फ्लो नहीं होता मतलब आईडी, करंट थ्रू डायोड इज जीरो, आईडी जीरो मतलब आउटपुट जीरो, मतलब नथिंग अपीयर्स हियर, कुछ नहीं मिलेगा, नथिंग। देन इन द नेक्स्ट साइकिल, अगले पॉजिटिव साइकिल में वापस फॉरवर्ड बायस, तो वापस आपको मिलेगा सम आउटपुट, राइट। व्हाट वाज एसी, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, फ्लक्चुएटिंग पॉजिटिव नेगेटिव, बाय डायरेक्शनल वोल्टेज एंड करंट। व्हाट इज डीसी, यूनिडायरेक्शनल, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव है क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव फिर नथिंग फिर पॉजिटिव चलता रहेगा। क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे एसी का डीसी में कन्वर्जन हुआ लेकिन हाफ वेव रेक्टिफाई हुई, मतलब हाफ ऑफ द इनपुट सिग्नल इज कन्वर्टेड टू आउटपुट, ओनली पॉजिटिव। एवरेज इज दिस, दिस इज एवरेज आउटपुट, ओके। तो ये आपका आ गया हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने एक ही डायोड यूज किया है, सिंगल डायोड, राइट। तो दिस इज हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, दिस इज नॉट होमवर्क, एच डब्ल्यू, हाफ वेव रेक्टिफायर, ओके। अब तो इसका मतलब पता है क्या, इसको पल्सेटिंग वोल्टेज बोलते हैं, पल्सेटिंग। लेजर लाइट होगा आपके पास, बटन चालू बंद करो, क्या होता है, पल्सेस, लाइट नो लाइट, लाइट नो लाइट, यहाँ पे आउटपुट में क्या है, पल्सेटिंग वोल्टेज। अभी ऐसा कौन सा डिवाइस होगा प्रैक्टिकल लाइफ में
जिसको ऐसा वोल्टेज चलेगा, नहीं चल सकता. यू नीड टू गिव कंटिन्यूअस सप्लाई, मतलब यू कैन नॉट कीप गिविंग. टेलीविजन पे यूज कर रहे हो तो टेलीविजन बंद चालू ऐसा होता रहे, यू कैन नॉट डू दैट. दिस कैन बी यूज इन सर्टन केसेस, फिलहाल हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट नॉर्मली एज आई एम टेलिंग यू, प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में जो आप डिवाइस यूज करते हो उसके लिए आपको फुल वेव रेक्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है. तो वी मेक अ स्मॉल चेंज फॉर फुल वेव रेक्टिफायर. फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए हम एक छोटा सा चेंज करते हैं, एक की जगह पे दो डायोड यूज करते हैं. मतलब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर तो रहेगा ही, क्योंकि स्टेप अप या स्टेप डाउन तो अभी भी हमको करवाना ही है. तो इनपुट यहाँ से, फिर ट्रांसफॉर्मर, फिर एक डायोड D1 यहाँ पे, दूसरा डायोड D2 यहाँ पे. ओके, देन वॉट यू डू इज यहां से आप सीधा यहां पे कनेक्शन दे देते हो, एंड हियर यू हैव लोड, एंड देन यू हैव अ सेंटर टैप. सेंटर टैप कहां पे टैप हुआ? ट्रांसफॉर्मर में. ओके, ये सेंटर टैप होता है, बताना चाहिए हाउ इट वर्क्स. ये लोड रेजिस्टेंस है. ऑफ कोर्स यहाँ का वोल्टेज आपको पता है, वी आउट इज इक्वल टू आईडी आरएल. एंड इफ यू लुक अगेन एट इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस, ओके, एनीवेज दिस थिंग विल कीप हैपनिंग because I am looking it from very near view. Okay, now मैं पहले ही ये draw कर लेता हूँ, because it will help me little later. And obviously, quite obvious thing, input में तो full wave आ ही रहा है, positive cycle, negative cycle, positive cycle, negative cycle. ये इनपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म है विद टाइम. ओके, तो जब इनपुट पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो ए पॉइंट पॉजिटिव है, बी पॉइंट नेगेटिव है. इसका मतलब पी ऑफ डायोड D1, पी टाइप ऑफ डायोड D1 इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, एंड एन टाइप इज कनेक्टेड टू नेगेटिव फ्रॉम हियर. तो D1 हो गया फॉरवर्ड बायस, D1 फॉरवर्ड बायस हुआ तो अपर हाफ वाइंडिंग से करंट फ्लो होगा. डायग्राम यू कैन सी लेटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायग्राम आप बाद में समझ सकते हो, देख सकते हो, लेकिन करंट फ्लो होने वाला है. तो करंट विल फ्लो थ्रू लोड रेजिस्टेंस. ओके, राइट, तो डायग्राम यू कैन चेक लेटर. सो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ दिस, बुक्स में है, इन योर टेक्स्ट बुक, इन माई मॉड्यूल, एवरीवेयर यू हैव. तो बाय द वे, डायोड D1 फॉरवर्ड बायस है, मतलब RL के थ्रू करंट फ्लो होने वाला है. D2 इज रिवर्स बायस, बट D1 इज फॉरवर्ड बायस, मतलब आउटपुट पे आपको वोल्टेज मिलेगा ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल. ए बिकम्स नेगेटिव, बी बिकम्स पॉजिटिव. अब D1 हो गया रिवर्स बायस, D2 हो गया फॉरवर्ड बायस, अभी भी आपको करंट लोड रेजिस्टेंस के पास मिलेगा, मतलब वापस से यू विल गेट आउटपुट. फिर अगले हाफ साइकिल में D1 फॉरवर्ड, D2 रिवर्स, वापस से यू विल गेट सम करंट अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे इरिस्पेक्टिव ऑफ विच साइकिल यू आर इन, पॉजिटिव है नेगेटिव है डजंट मैटर, यू विल ऑलवेज गेट आउटपुट वोल्टेज, एंड दैट इज यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि सब पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव. मतलब ये एसी का डीसी में कन्वर्जन हो गया, लेकिन फुल वेव रेक्टिफिकेशन हुआ यहाँ पे. तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए कितने डायोड यूज किए? दो. हाफ वेव के लिए एक. तो दिस इज समथिंग यू नीड टू नो. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस
may appear in the form of graph, in the form of number of diodes used, in the form of where is center tap required for full wave rectification. Okay, right. तो इतना आपको मिनिमम पता होना चाहिए अबाउट रेक्टिफायर सर्किट. देन नेक्स्ट इज ज़ीनर डायोड. वो हम अब कल कंटिन्यू करेंगे बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ थियरी. सो समवेयर आई नीड टू स्टॉप नाउ. वी आर स्टॉपिंग 5 मिनट्स अर्लियर बिफोर टाइम. दैट इज ओके.